हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फिर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देने जा रहा हूँ, जो कि सारा क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा और सभी क्वेश्चन आपको आपके सफलता के रास्ते में माइलस्टोन साबित होगा। और जो कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यदि √6 × √15 = x√10, तो x का मान, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है ±3, तीसरा है √3, चौथा है √6। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। √6 × √15 है और x√10 है, तो देखिए यहाँ भी ऑर्डर 2 है, यहाँ भी 2 है, ये मल्टीप्लाई करेगा, 15 × 6 हो जाएगा 90 और x√, तो यहाँ पर आप देखिए ये और ये कट जाएगा, तो √9 है। एक्स का मान जो आएगा 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। देखिए मैं आपको अब दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए है 2 sin²θ + 3 cos²θ का न्यूनतम मान ज्ञात करें। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। सॉल्यूशन 2 sin²θ + 3 cos²θ। अगर यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर, यहाँ रहेगा कॉस स्क्वायर और यहाँ प्लस का चिन्ह, तो इसमें ऐसे स्ट्रक्चर का मिनिमम वैल्यू होता है, जो छोटा मान हो जाएगा ये मिनिमम मान हो जाएगा और जो बड़ा वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, इसमें जो 3 है ये हो जाएगा मैक्सिमम। जैसे देखिए 7 रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, 5 रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 7 है, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 5 है। तो आपको याद रखना, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो जो छोटा मान हो जाएगा मिनिमम वैल्यू और जो बड़ा मान रहेगा वो मैक्सिमम वैल्यू। देखिए मैं आपको अब तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 0.5 और 7 पर है रेकरिंग, इसका मान निकालना है। पहला ऑप्शन है 57/10, दूसरा है 57/99, तीसरा है 26/45 और तीसरा है 52/9। अब हमें सही आंसर खोजना है। देखिए 0.57 है, इसको हम क्या करेंगे, जिस पर रैकरिंग नहीं है पूरा संख्या लिखकर उसके बाद जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको हम घटा देंगे और रैकरिंग के बदले 9 आता है, और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसके बदले 0 आएगा। याद रखना है आपको, ये आया 52/90 आया, और 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 26, और 2 से कटेगा तो आएगा 45। हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। जैसे अगर 0.123 है और यहाँ रैकरिंग है 123 - 1, 2, 3 पर है रैकरिंग तो 2 × 9 आएगा। जैसे 0.78 है रैकरिंग है तो 78/9 हो जाएगा 9। याद रखना है आपको,
जिस पर एकरिंग नहीं रहेगा उस अंक को हम घटा देते हैं, उस संख्या को घटा देते हैं। रेकरिंग जिस पर रहेगा, रेकरिंग जितना बार रहेगा बटा में उतना बार नाइन आएगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा, एक अंक पाँच है रेकरिंग नहीं है इसके, इसलिए इस यहाँ जीरो आया। यहाँ देखिए वन पर रेकरिंग नहीं है इसलिए एक जीरो आया। छ पाँच यहाँ देखिए यह जाएगा 652 में से 65 घटेगा, और यहाँ एक अंक पर रेकरिंग है तो यहाँ 9 आएगा, और इसके बदले क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं आपको चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यदि x प्लस वाई बराबर 2017 एक्स वाई प्राकृत संख्या है तो माइनस वन का पावर x है प्लस माइनस वन का पावर y, इसका मान निकालना है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है माइनस 2, तीसरा है 0, चौथा है 1। हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। x प्लस वाई 2017 है, अगर ये मान लीजिए अगर x का मान 1 करेंगे तो y का मान 2016 होगा, तो अगर ये विषम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सम। मतलब ये सम होगा तो ये विषम होगा, ये विषम होगा तो ये सम होगा। तो माइनस वन का पावर x है और माइनस वन का पावर y है, तो ये विषम है, माइनस वन पर हो जाएगा ये विषम, तो यहाँ माइनस वन पर क्या हो जाएगा, सम। मतलब ये सम है तो ये विषम तो ये सम, तो माइनस वन और माइनस वन यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस वन हो जाएगा। काय की देखिए माइनस वन पर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, और माइनस वन पर विषम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। ये माइनस वन पर विषम है तो माइनस वन, और माइनस वन पर सम है तो प्लस वन। ये कट के क्या आया, जीरो। तो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। तो अब मैं फिर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन अगले वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।